आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स का मतलब टैली में रिपोर्ट्स का मतलब होता है हमारे द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं या फिर जो भी अकाउंट्स में एंट्री की जाती है उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रायल बैलेंस और रेशो एनालिसिस पर पड़ता है। तो रिपोर्ट्स का मतलब यही इन्हीं से लगाया जाता है। रिपोर्ट्स क्या होते हैं? रिपोर्ट्स एक तरह के स्टेटमेंट होते हैं जो हमारी वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। कहने का मतलब जैसे हम रिपोर्ट्स की बात करें तो हमारे द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है उसका इफेक्ट हमें रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हमारा आशय ऐसे है, ऐसे स्टेटमेंट से है जो कि एक निश्चित तारीख पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अर्थात बैलेंस शीट व्यापारी को आर्थिक स्थिति का विवरण होता है। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस शीट के हमारे द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हमने एक महीने के पूरे ट्रांजैक्शन कर लिए, उसके बाद अगर यदि हम बैलेंस शीट देखें तो वह हमारे एक महीने के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शा देगा कि हाँ हमने एक महीने में इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया, यहाँ पर हमने इतने खर्चे किए हैं या फिर हमने इतना प्रॉफिट यहाँ पर कमाया। नेक्स्ट यहाँ पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है यहाँ पर ये, इसके द्वारा हमारे द्वारा जो भी खर्चे किए जाते, कहने का मतलब यह है कि हमारे द्वारा जो भी खर्चे किए गए, हमारे द्वारा जो भी इनकम प्राप्त की गई वो इसके द्वारा दर्शाई जाती है। कहने का मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ ऐसा अकाउंट होता है जिसके द्वारा वित्तीय स्थिति के साथ साथ ये बताया जाता है कि कहाँ पर आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया और कहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। किसी कंपनी में वर्ष के अंत में सभी खर्चों की आपूर्ति के बाद होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को निर्धारित करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करना होता है, क्योंकि व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो पक्ष होते हैं, एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। डेबिट पक्ष में व्यापार के सभी अप्रत्यक्ष खर्च यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, ठीक है, तथा क्रेडिट पक्ष में अप्रत्यक्ष आय दिखाई जाती है यानी कि इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाता है। अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से कम होता है तो लाभ होता है, जिसे शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, यदि क्रेडिट पक्ष का साइड का योग कम होता है तो हानि होती, यानी जिसे हम शुद्ध हानि कहते हैं यानी के नेट लॉस कहा जाता है। तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम टैली में ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बैक कर रहा हूं। बैलेंस शीट आपको मिलेगी कहां? बैलेंस शीट मिलेगी, सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको रिपोर्ट्स नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा या मेन्यू दिखाई देगा। तो यहां पर आपको बैलेंस शीट मिलेगी, तो आप बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है लाइबिलिटीज और जो राइट साइड होता है वो होता है एसेट्स। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। दायित्व का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो भी दायित्व चुकाए जाने हैं, ठीक है, और एसेट्स का मतलब होता है हमारे द्वारा जो भी हमारी जो भी संपत्तियां यानी कि जो करंट एसेट्स हैं और फिक्स एसेट। करंट एसेट और फिक्स एसेट में क्या फर्क होता है? फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति होती है। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में खरीदी गई शॉप, आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी, ठीक है। और करंट एसेट्स में आते हैं हाथ में रखा हुआ पैसा, बैंक में रखा हुआ पैसा, क्लोजिंग स्टॉक, आपके सैलरी डेब्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको लोन लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दिखाई दे रही है, तो करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है आपके द्वारा जो भी उधार माल खरीदा गया, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उस व्यक्ति के पैसे नहीं चुकाओगे, कभी ना कभी उसके पैसे जरूर चुकाओगे। तो जब आप पैसे चुकाओगे तो जो आपके द्वारा करंट लाइबिलिटीज आपको देनी है वो याद दिलाएगा करंट लाइबिलिटीज वाला सेक्शन। यानी करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है आप कह सकते हो आपकी उधारी या फिर आपके दायित्व यानी चालू दायित्व। करंट का मतलब होता है चालू यानी कि कैश में आपको पे करना, ठीक है। तो और लोन लाइबिलिटीज का मतलब आपके द्वारा लिया गया लोन, ठीक है। तो लोन आप लोगे तो लोन का पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। और यहीं पर आपको दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मात्र इसलिए है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है।
ठीक है, तो हमने 50 लाख रुपए लगाए हैं जिसमें से हमारे पास 49,000 9,500 बचे हैं, ठीक है, 49,19,5,000 बचे हुए हैं जिसमें से 5,000 मैंने खर्चा कर दिया, तो 5,000 का मुझे लॉस हो रहा है। तो यदि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन जो है इस एसेट्स के साइड में दिखाई देता है तो आपको लॉस हो रहा है, यदि ये यहाँ पर दिखाई देता तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये बताता भी कि हमें प्रॉफिट कैसे हो रहा है और कैसे लॉस हो रहा है। जैसे अभी मेरे को पता पड़ गया कि हाँ हमने 50 लाख रुपए लगाए थे जिसमें 49,95,000 है और 50,000 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए होंगे, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गया और मैंने यहाँ पर इंटर किया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस मेरे को यहाँ मिल गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इसमें साइड होते हैं, तो यहाँ पर एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई जाते हैं और आपकी इनडायरेक्ट इनकम दिखाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं। अगर मैं कोई मुझे कोई प्रॉफिट मिल जाता है तो यहाँ पर मेरे को लाभ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एंट्री करके आपको बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ पैसा रिसीव हुआ, कैसे रिसीव हुआ, तो ये कैश में रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव रिसिप्ट के नाम से, रिसीव के नाम से, ठीक है, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर नो कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट, और ये मेरे को 6,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो ये दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया तो हमारे जो डेबिट वाली साइड है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हो रहे हैं, 5,000 रुपये के, और इनडायरेक्ट इनकम कितने की हो रही है, 6,000 रुपये की, ठीक है। तो हमें कितने का नेट प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 रुपये का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यदि अगर मैं इनकम कम कर दूं और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे कि मुझे 4,000 रुपये के इन प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा यानी 5,000 रुपये और इनडायरेक्ट इनकम कितनी है, 4,000 रुपये, यानी नेट लॉस कितने का हो रहा है, 1,000 रुपये का। तो ये होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेशो एनालिसिस जो है वो हमारा एक प्रकार का, ये भी एक रिपोर्ट होता है। रेशो एनालिसिस क्या करता है, वित्तीय विश्लेषण के लिए रेशो एनालिसिस एक शक्तिशाली उपकरण है। किसी फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सार्थक विश्लेषण करना रेशो के उपयोग से ही संभव होता है। रेशो आंकड़ों का एक ऐसा सेट होता है जिसकी तुलना दूसरे सेट से की जाती है। यह ऐसे अनेक रेशो होते हैं जिनकी गणना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंगल सेट से ही की जा सकती है। रेशो की गणना का उद्देश्य पर आधारित होती है जिसके लिए रेशो की आवश्यकता होती है। कभी कभी सिंगल रेशो से भी कुछ जानकारी दे सकता है, परंतु व्यापक विश्लेषण करने के लिए आपस में संबंधित रेशो के सेट को विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो रेशो एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो भी खर्चा किया गया है या फिर जो भी, तो उसे वो रेशो में दिखाता है। तो रेशो में दिखाता कैसे है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक रेशो एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेशो एनालिसिस दिखाएगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिखा रहा है जो हमारे पास अभी बची हुई है, ठीक है, करंट रेशो अभी 0.1 का बता रहा है ये, ठीक है, कैश इन हैंड तो ये इसका रेशो दिखा रहा है यानी क्विक रेशो, बैंक अकाउंट तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का ही ये दोनों का साथ में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये रेशो एनालिसिस होता है। यहाँ पे देखिए जैसे माइनस में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और तो ये डिपेंड करेगा आपकी व्यापारिक स्थिति के ऊपर, ठीक है। तो बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रायल बैलेंस। तो हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलेगा आपको, तो ट्रायल बैलेंस मिलेगा डिस्प्ले, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है, जब किसी कंपनी में लेन देन होता है तो उन लेन देनों को जर्नल में लिखा जाता है और फिर जर्नल के समस्त बैलेंस के लेन देन की लेजर को
में पोस्टिंग की जाती है, लेकिन पोस्टिंग के बाद यह जानना आवश्यक होता है कि लेजर की गई पोस्टिंग सही है या नहीं है। तो यह जांच करने के उद्देश्य से एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे ट्रायल बैलेंस कहता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारे द्वारा जो भी लेन देन किया जाता है वो लेज़र के द्वारा किया जाते हैं। लेज़र में आप उसके बाद ट्रांजेक्शन करते हो। अब ट्रांजेक्शन आपने सही किया या नहीं किया वो आपको कैसे पता पड़ेगा? तो वो आपको पता पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के द्वारा। तो आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल मैंने सही लगाई क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है। करंट एसेट्स यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं। इनडायरेक्ट इनकम ये भी क्रेडिट होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी डेबिट हो गए। तो ये मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है क्योंकि जो करंट कैपिटल अकाउंट है वो हमने लगाया तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जबकि जो करंट एसेट्स है वो डेबिट हुई है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम हमें प्राप्त हुई है तो ये क्रेडिट हुई है, और एक्सपेंसेस हमने पे किए तो ये हमें जा रहे हैं हमारे पास से, इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये ट्रायल बैलेंस होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और लेजर्स और ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताऊँ।